डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लेटर पर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मेरठ पुलिस मामले में जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ADG मेरठ जोन को पत्र लिखा गया है, जिस पर ब्लैकमेल हुई और अब शिकायत। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोट बैंक की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में रहे, कभी भाजपा में, और इन दिनों सपा में अपनी राजनीति का सिक्का चमकाने में लगी हैं। भाजपा ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था, लेकिन चुनाव आने से पहले उन्होंने समाजवादी की साइकिल पर सवार होना ठीक समझा, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। मेरठ में इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के एक पत्र की जांच में जुटी है। लसाड़ी गेट क्षेत्र के एक पारिवारिक विवाद में मुकदमा दर्ज करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ADG को पत्र लिखा है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इस पत्र को दिखाकर कुछ अराजक तत्वों ने एक पक्ष पर दबाव बनाया और उससे 2 लाख रुपए की वसूली कर ली, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने इस पत्र को लेकर जांच करना शुरू किया। RTI और तमाम तरीके से जांच के बाद पाया गया है कि पत्र फर्जी है, यानी केवल ठगी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित पक्ष SSP कार्यालय तो कभी CO कार्यालय के चक्कर काट रहा है। SSP मेरठ ने यह जांच मेरठ के CO कोतवाली अरविंद चौरसिया को दे रखी है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और अब पुलिस ठगी करने वाले दोषियों पर कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। ठगी का शिकार हुए गुलफाम ने यह जानकारी दी है। ये बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का लेटर पैड कैसे ठगी हुई आपके साथ, किस मामले में ठगी हुई? मेरा भाई का विवाह चल रहा था कुछ काफ़ी समय से, 3-4 साल हो गए थे उसमें, तो वे लोग उनसे मिले, ये मेरठ का ही रहने वाला है, एक गुलफाम नाम है उसका। उसने मुझे ये फर्जी लेटर पैड दिखाया। तब तक मुझे पता नहीं था कि फ़र्जी लेटर पैड है, मैं इसको असली समझ गया और मैंने अपने बचने के लिए उसने कहा कि मैं जो है ये मुकदमा जो है रुकवा दूंगा, इस कारण मैंने उसको 2 लाख रुपये दे दिए। और उसने मुझे फ़र्जी लेटर पैड दिखाया और मेरे नंबर पर भी व्हाट्सअप किया उसको। मैंने इसकी फिर मतलब कहना का ITR वगैरह भी डलाई, लेकिन वहाँ से लखनऊ से भी जो जवाब आया और मेरठ से भी जवाब ना आया कि ऐसे कोई यहाँ पे मतलब आदेश हुआ ही नहीं। तो मुझे जब जाके मैंने मतलब कहने का ये इसकी जान मामला ये था मेरा जो छोटा भाई है उसका कुछ विवाह चल रहा था उसके ससुराल वालों से, ये परवीन पुत्री नवाबुद्दीन, और मतलब ये झगड़ा भी कुछ नहीं था, कुछ आपसी विवाद था उनका। तो इस मतलब कहने का विवाद को लेकर के वो लोग इनसे मिले, मिलवाने वाले भी हमारे कुछ रोहटे के लोग थे। ये जो गुलफाम है ये इसी का मतलब जो काम है इसी तरीके का काम करता है सारे, ये उससे मिले और उसने मतलब कहने का मुझे फर्जी लेटर पैड दिखाया और मुझसे 2 लाख रुपए हड़ लिए कि जब ये मतलब विवाद को लेकर के ससुराल वालों का आपसी विवाद चल रहा था उसका फ़ायदा उठाया और हम पे झूठा मुकदमा कराया एक, जिसमें जो छोटा भाई है वो 2 महीने की जेल भी काट करके आया, वो झूठा और फर्जी मुकदमा लिखवाया इसी लेटर पैड को दिखा करके, मुझसे 2 लाख रुपये भी ले लिए और उनसे भी कुछ पैसे वगैरह लिए उसने। पीयूष सिंह SP City मेरठ ने यह जानकारी दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक लेटर पैड को लेकर बड़ा हंगामा मचा है, क्या मामला है ये, क्या पुलिस जांच कर रही है? ये एक शिकायत प्राप्त हुई है गुलफाम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। उसका ये कहना है कि उसके भाई रिजवान का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। वर्ष 2021 अक्टूबर में उसको व्हाट्सएप पे एक लेटर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम का प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा ADG मेरठ जोन को आवेदक और उसके भाई के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस लेटर पैड को दिखाकर आवेदक का यह कहना है कि विपक्षी गणों के द्वारा उससे 2 लाख रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद जब आवेदक द्वारा जानकारी की गई शासन में RTI के तहत, तो यह जानकारी मिली है कि इस तरीके का कोई भी लेटर किसी भी स्तर से जारी नहीं किया गया है। यह प्रकरण संज्ञान में आया है, इसकी जाँच क्षेत्राधिकारी कोतवाली द्वारा की जा रही है।
जांच के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आते हैं तदनुसार आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।